बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में लोरमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर तहसील कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, साथ ही गैस सिलेंडर और मोटर बाइक को रखकर सिलेंडर एवं बाइक पर माला चढ़ाए और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने कहा कि हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद आज फिर जनता महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। बीजेपी जो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगती है, जिसके कारण आज पूरा देश त्रस्त है। चाहे पेट्रोल की बात हो या राशन कार्ड की बात, दैनिक जीवन की कोई भी चीज हो वह महंगी हो रही है, जिसके कारण आम जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई का विरोध किया जा रहा है। जवाहर साहू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की एक प्रकार से तानाशाही कर रही है। हम आम जनता की लड़ाई के लिए और उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश पाटले, लखन कश्यप, विद्यानंद चंद्राकर, देवेंद्र पात्रे, जितेंद्र पाठक, रामजी साहू, त्रिलोक कोसले, हेमीन मंगेशकर, नागेश गुप्ता, राकेश जसवाल, मालिक राम यादव, नीलन यादव, संतोष यादव, शियाराम यादव, गीताराम साहू, रमेश्वर साहू, सुमेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस तरह का प्रदर्शन है और क्या मांगे? देखिए, अभी आगामी पिछले 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो है एक घिनौना चेहरा सामने आया है। जब तक चुनाव का समय चल रहा था तब तक इन लोगों ने महंगाई के पेट्रोल डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप देख रहे हैं एक बार फिर से जनता को जो है महंगाई जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। आज पेट्रोल जो है 108 रुपये लीटर हो चुका है और ये बेशर्म लोग आज राष्ट्रवाद के नाम पे ये जो वोटों की भीख मांगते हैं, ये आज देखिए देश की जनता पूरी जनता त्रस्त है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे राशन दुकान की बात हो, राशन की बात हो, चाहे वो कोई भी आम दैनिक उपयोग की चीज़ें हो, आज सब की जो है महंगाई आसमान पे है और आम जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, माननीय राहुल गांधी जी भी दिल्ली में धरने में बैठे हुए हैं और ये हमारा कांग्रेस पार्टी का ये जो है ये शुरुआत है। आज से श्रृंखलाबद्ध हमारा ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसमें महंगाई के विरोध में पूरे देश में हल्ला बोल किया जाएगा। मुंगेली लोरमी से लक्ष्मी दिवाकर, सीजीविजन टीवी।